नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। धामपुर में नगीना चौक के समीप सुमंगलम मंडप में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन बाबू रस्तोगी वीरेंद्र रस्तोगी के नेतृत्व में रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि जावेद आबदी ने कहा, भाजपा सरकार ने पूरे देश में प्रदेश में लूट मचा रखी है, जिसको इस बार उखाड़ कर फेंकना है। इस बार समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। उन्होंने कहा, सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट करें। वहीं सपा प्रत्याशी सपा के पूर्व मंत्री पर तंज कसते हुए कहा, जो पार्टी का नहीं हुआ वह जनता का क्या होगा, इस बार पार्टी को धोखा दिया है। उन्होंने इशारों इशारों में पूर्व मंत्री को धोखा देने की बात कही। उन्होंने कहा, विधायक मैं नहीं आप बनोगे, आप सब नईमुल हसन बनकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगो। वहीं राजेश जैन ने कहा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती अपने आप को बचाने के लिए भाजपा की गोद में जाकर बैठ सकती है। उन्होंने दलित समाज के लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, यदि आरक्षण को सुरक्षित रखना है तो समाजवादी पार्टी को वोट करो और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति। कि यहाँ पर कोई गुजर है, जाट है, दलित है, तेली है, धोबी है, बल्कि जो जिसके कदम इस धरती पे हिंदुस्तान की वो भारतीय है, उसका सम्मान वही है जो एक टोपी लगाने वाले की इज्जत है, वही सर पे चुटकी लगने वाले की इज्जत है, जो खाने काबा के साथ तलाश करने वाले की इज्जत है, वही अग्नि को साक्षी मानकर सात चक्कर लगाने वालों की इज्जत है, जो एक गंगाराम की इज्जत है वही अब्दुल रहमान की इज्जत है, जो एक घनश्याम की इज्जत है वही अब्दुल कलाम की इज्जत है। यह है संविधान, मगर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में केंद्र में आकर और 2017 में प्रदेश में आकर हमारी जो मोहब्बत की दास्तान, जो मोहब्बत की तारीख, जो मोहब्बत का इतिहास, जो मोहब्बत की बुनियाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने बुनियाद के जरिए से डाली थी, उसी बुनियाद को खोदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आकर मोदी जी की सरकार में, 2017 में आकर योगी जी की सरकार में काम किया। मगर मैं आज बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने तुम्हारे हाथ में ताकत दी और वो वोट डालने की ताकत जो वोट डालने की है पसीने। आज धामपुर नगर में सुमंगलम मंडप में एक समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम अनुसार यहां हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री जावेद आबदी साहब का यहाँ जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम था, जिसमें समाजवादी पार्टी की तमाम नीतियों का यहाँ उन्होंने अपने मुख से अपना सारा सब कुछ किया। भाजपा सरकार के बारे में राशिद हुसैन ने एक टिप्पणी की थी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो एक उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। देखिए, क्या जिलाध्यक्ष हैं हमारे, वो क्या कहते हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की इस वक्त प्रदेश में आंधी चल रही है, लहर चल रही है और हम 300 से ऊपर सीटें जीतने के कगार पर पहुंच चुके हैं। धामपुर विधानसभा क्षेत्र में किससे टक्कर मानते हैं नईमुल हसन? धामपुर विधानसभा क्षेत्र में टक्कर किसी की नहीं, सीधे सीधे जनसंपर्क है और जनता चाहती है कि बदलाव हो। और भाई, नईमुल हसन इस समय भरपूर लगभग 20 से 30 हजार वोटों से जीत कर विधायक बन रहे हैं। अच्छा रस्तोगी जी, एक बात बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी है, कुछ लोग अंदर खाने और कुछ सामने से लगे हुए हैं, कुछ पदाधिकारी भी है जो निष्कासित नहीं हुए, उससे कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी की इस समय आंधी चल रही है और जो लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, चुनाव बाद उस पर भी कोई विचार किया जाएगा। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।